थाने में हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। जब हमने अपने आईओ से बात करी, जो मिस्टर जयवीर सिंह जी हैं, उल्टा बात करने के बाद वो कहते हैं कि ये सिविल का मैटर है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं उल्टा तुम ही को हवालात में डाल दूंगा। इन्होंने मेरे से अकाउंट खोलने के नाम पे पैसे मांगे। इन्होंने कहा ऑफर लेटर हम आपको दे देंगे, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन्होंने उस ऑफर लेटर के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है। इन्होंने बस ऐसे ही खोल रखी है वो कंपनी, और पैसे लेके अब ये रिफंड करने की बात कर रहे हैं कि हम आपके रिफंड कर देंगे। और मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चों के इन्होंने पैसे लिए हैं। पुलिस का कहना है कि जो बच्चा हमारे पास आ गया उसका 1800 वापस कर दो, केस बंद कर दो, जबकि पुलिस को इस मामले में जानकारी लेना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली के उत्तम नगर में हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बिंदापुर का थाना है। थाने के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं देश की राजधानी में लगातार फ्रॉड का सिलसिला जारी है, और ऐसे में कुछ बच्चों को नौकरी देने के नाम पर ठगी की गई है। लगातार उनसे पैसे लिए जाते थे, और आज जब ये लोग थाने के अंदर कंप्लेंट लिखवाने आए हैं तो किस तरीके का पुलिस का रवैया है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है, एक बार इनसे जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल रस्तोगी है। मैं एनजीओ में आरटीआई अधिकारी हूँ, महिला सम्मान समिति के नाम से मेरी एनजीओ है। आज हमें कई बच्चों ने ये कंप्लेंट करी थी कि उत्तम नगर टर्मिनल के पास कोई कंपनी नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे ले रही है और नौकरी नहीं दे रही है। इन ये लोग कहते हैं कि हम आपको डायरेक्ट फ्लिपकार्ट में और अमेजोन में नौकरी देंगे। आज जब एनजीओ ने वहाँ पे जाके इस चीज़ की तहकीकात करी तो ये बात सही मिली। कुछ बच्चे भी यहाँ तक आए थे, 100 नंबर पर डायल करी गई, 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें पुलिस की मदद मिली। उस बीच में सारे बच्चों को वहाँ के लोगों ने भगा दिया, सिर्फ 3 या 4 उनका लेडीज स्टाफ था, उसको पुलिस यहाँ थाने तक लेके आई। थाने में हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। जब हमने अपने आईओ से बात करी, जो मिस्टर जयवीर सिंह जी हैं, उल्टा बात करने के बाद वो कहते हैं कि ये सिविल का मैटर है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं उल्टा तुम ही को हवालात में डाल दूंगा। अच्छा, आपको ही हवालात? हाँ, एनजीओ को वो हवालात में इसलिए डाल देंगे कि एनजीओ इस क्राइम के विरुद्ध आवाज़ ना उठा सके। इसके बाद इनका कहना है कि बच्चों के पैसे, जो बच्चे कंप्लेनर बन के आ रहे हैं उनके पैसे हम वापस करा दे रहे हैं। कंपनी के पास न GST है, न कंपनी के पास सर्विस टैक्स का लाइसेंस है, न कंपनी के पास फायर का है, न MCD का है। महिला SHO से बात हुई, उन्होंने कहा हम सारे डॉक्यूमेंट मंगा रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट ये लोग दिखाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। उल्टा NGO को धमकी दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना आप लोगों को ही उल्टा हम ड्यूटी ऑफिसर के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाकर बंद कर देंगे। इनके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं DO ऑफिस पे, कैमरे की जांच कराई जाए और ये देखा जाए कि हमसे पुलिस वाले किस तरह से व्यवहार करते हैं। जब हमारी नहीं सुनी जा रही है, एक NGO की नहीं सुनी जा रही है, तो आम पब्लिक की क्या सुनेंगे। कंपनी वाले पैसा अपने प्राइवेट अकाउंट में मंगाते हैं, इनका प्राइवेट अकाउंट चेक करा जाए और जितने पैसे 1800 के हिसाब से लिए गए हैं उन बच्चों से पूछा जाए क्या उनको नौकरी मिली। तो आप आज सुबह कब पता चलता है आपको? सुबह हमें 11 बजे पता चलता है। 2-3 दिन से हमारे पास कुछ बच्चे आके कह रहे थे कि हमारे पास सर हम लोगों से पैसे ले लिए हैं, लेकिन हमें ना नौकरी मिल रही है, उल्टा वहाँ जाते हैं तो हमको धमका के भगा दिया जाता है। इस पर NGO ने आज जाके किसी बच्चे को भेजा जिससे ये 2 महीने से टच में थे कि आप 1800 रुपये जमा कर दीजिए, हम आपको नौकरी दिला देंगे। वो पैसे जमा कराए गए, ऑनलाइन पेमेंट कराया गया, लेकिन वही वाली बात, ना अमेजोन से इनका टाई अप है, ना इनका फ्लिपकार्ट से टाई अप है, और इस तरह से एक दिन में ये 100 से 150 बच्चों से पैसे लेते हैं। जब आज आप अंदर गए तो क्या कैसा माहौल था, क्या क्या हो रहा था वहाँ? इंटरव्यू चल रहे थे। हाँ। कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे थे, कुछ लोग पैसा ले रहे थे, कुछ बच्चे वहाँ रो भी लख भी रहे थे, लेकिन सबको इन लोगों ने धीरे धीरे करके एक एक करके सबको हटा दिया वहाँ से। जेंट्स स्टाफ को वहाँ से हटा दिया गया, सिर्फ लेडीज स्टाफ वहाँ पे मौजूद रह गया। देखिए, जिस तरीके की बातें बता रहे हैं उनके जीते जागते सबूत हमारे पास कुछ बच्चे भी हैं। हालांकि बच्चे यहाँ बहुत सारे थे, लेकिन जैसे इनका कहना है कि पुलिस ने सबको भगा दिया है। आपका क्या नाम है? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति जी, कब क्या करने गई थी वहाँ पर, क्या कुछ हुआ? इंटरव्यू था, 10 तारीख को इंटरव्यू देने गए थे, तो उन्होंने पैसे मांगे। हाँ। और बोला कि 27 को ज्वाइनिंग है। हाँ। और कंपनी का नाम कुछ नहीं दिया, मतलब बोले कि डिटेल्स बाद में सेंड करेंगे। बट 27 को सेंड नहीं किया डिटेल्स, सेंड किया 31 को। और डिटेल्स सेंड किया तो वो मतलब जॉब नहीं दिला रहे थे, बस ऐसी कोई कंपनी भेज दी है कि जाके इंटरव्यू दीजिए नॉर्मल बच्चों की तरह। तो वहाँ मैं गई, 11 से 5 बज गया, कुछ भी नॉर्मल इंटरव्यू है। बट वहाँ क्या पूछा, क्या बात हुई? वो एक कंपनी थी शादीपुर में, जैसे कि नॉर्मल मैं इंटरव्यू देने गई, जिन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं था, पैसे तो नहीं जॉब दिलाने के लिए ना, बट उन्होंने जॉब दिलाया नहीं। अब मैं उससे मैसेज की पैसे मांगने के लिए, तो बोल रहे हैं मिल जाएंगे, बट मिलेंगे नहीं। उनके पास कुछ भी डिटेल्स नहीं था जो लीगली मतलब किसी कंपनी का नाम हो, बस वैसे टाइम पास कर रहे थे, स्कैम था एक। अच्छा, तो कितने पैसे आपसे लिए? 7800। आपने पूछा नहीं कि इतना अमाउंट क्यों? पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि 3000 ट्रेनिंग के, 1800 अकाउंट सैलरी अकाउंट खुलाने के। हाँ। यही सब उन्होंने बोला। अच्छा, और ये भी बोला कि सैलरी अकाउंट खुलेगी तो पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा। बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये बताइए कहाँ से पता चला था आपको इस
ये मैसेज आया था मतलब फ़ोन पे कि अपना ऐप उधर आ रहा कि अपना ऐप से मैं HR हूँ तो आपका इंटरव्यू है, आके इंटरव्यू दे दीजिए। तो बस ऐसे ही नॉर्मल, बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, तो नॉर्मल क्वेश्चंस किया और बस बोला कि आपका ज्वाइनिंग है 27 को। क्या क्या काम देने की बात की थी आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, बैंकिंग प्रोसेस में बोल रहे थे। अच्छा, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हाँ जी, मैं जब गया था तो मतलब जैसे होता है कि नॉर्मल बिल्डिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, नॉर्मल इन्होंने कोचिंग सेंटर में ही अपना ही वो खोल रखा था। तो मैं गया, बहुत सारे बच्चे आ रखे थे, 30 से 35-40 बच्चे आ रहे थे और आते ही जा रहे थे, और एक के बाद एक इंटरव्यू होता है कम से कम 15-20 मिनट का। मेरे को एक्सपीरियंस है 2 साल का, उन्होंने ना वो देखा ना मेरा रिज्यूम देखा, उन्होंने सीधा पूरा कि बोला कि ये प्रोसेस है, आपको आना है, ये सैलरी है आपकी और आपको 1800 रुपये देने हैं, आपको रिफंड मिल जाएंगे। मैं कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अभी तो नहीं है मेरे पास, अभी मैं नहीं दे सकता। कहते कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास इतने पड़े हैं अभी, तो मैं ये कर सकता हूँ। कहते कोई नहीं, आपको अगले दिन मिल जाएंगे। आज एक मंथ हो गया, अप हो गया एक मंथ से, अभी तक ना उनका, उन्होंने शायद मुझे ब्लॉक मार दिया, उनको फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना उनका फ़ोन मिल रहा है ना कुछ हो रहा है, बस इग्नोर हो गया। इसलिए मैं इनके पास आया कि मेरी हेल्प कर सके। इनके साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ है और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के। आपको कहां से पता चला था? मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था। हाँ। और मैसेज में इन्होंने एड्रेस वगैरह सब दे रखा था। वहां पे मैं इंटरव्यू के लिए गया तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ। इन्होंने मेरे से अकाउंट खोलने के नाम पे पैसे मांगे, वो पैसे इन्होंने मेरे से लिए, मैंने इनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया। है आपके पास प्रूफ? मेरे पास सारे प्रूफ हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के, मैंने इनको प्रूफ दी। इन्होंने कहा हैंड टू हैंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऑफर लेटर हम आपको दे देंगे, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग हो जाएगी। इन्होंने उस ऑफर लेटर के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पे हो रही है, क्या हो रही है, इन्होंने बस ऐसे ही खोल रखी है वो कंपनी और पैसे लेके अब ये रिफंड करने की बात कर रहे हैं कि हम आपके रिफंड कर देंगे। और मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चों के इन्होंने पैसे लिए हैं। जब आप पहले दिन गए थे तो कैसे, बहुत सारे बच्चे थे या सिर्फ आप अकेले थे? मैं कल गया था यहाँ पे तो कल भी यहाँ पे बहुत सारे, कम से कम 50-60 बच्चे थे जो आ ही जा रहे थे, बार बार आते जा रहे थे और सब यही कह रहे थे हमारे पास मैसेज आया, हमें इंटरव्यू। और इनके बहुत सारे लोग जो बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं और खड़े होकर पूछ रहे हैं इंटरव्यू के लिए आए हो आप, इंटरव्यू के लिए जल्दी से उनको नीचे भेज के और जल्दी से उनको भगा रहे हैं। जब मैं कल गया था तो कल मैं थोड़ा लेट हो गया था जाने में, तो ये लोग निकल गए थे, इन्होंने कहा था आप नेक्स्ट डे आ जाना, यानी आज आ जाना। मैं आज गया था तो इन्होंने मेरे से पैसे वगैरह ले लिए और कोई ज्वाइनिंग कोई भी वो नहीं दिया इन्होंने मेरे को। तो क्या बोला इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए? क्या बोला इन्होंने? बोला आपने डॉक्यूमेंट्स आप मेरे को सेंड कर देना और फिर हम आगे प्रोसेस कर देंगे। तो अभी आपको कैसे पता चला फ्रॉड है, क्योंकि अभी तो टाइम? फ्रॉड मेरे को ऐसे पता लगा क्योंकि जब मैं वापस जा रहा था तो पहले तो मैंने इनके डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मेरे को दिया था पेपर, उसके ऊपर इनका कोई भी नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था कंपनी का, कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई थी। और जब मैं नीचे जा रहा था तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे, इनसे बात कर रहे थे कि सर हमारा रिफंड करा दो, हमारी जॉब नहीं लगी। और इनमें और भी बॉयज़ वगैरह थे, लड़के थे, उनको ये लोग मेट्रो तक छोड़ के आए हैं कि आप जाओ यहाँ से और हमारे को इतनी पेमेंट और कर दो, आपका रिफंड आ जाएगा, उनसे और भी पैसे ले रहे हैं। ये सारी कहानी से मेरे को पता लगा ये फ्रॉड है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने तो 7,500 रुपये करीब दे दिए हैं, तो ये एक महीने में, एक महीने पहले दिए थे आपने पेमेंट? हाँ, 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को दिए थे। तो उसके बाद आप गई नहीं पैसे वापस मांगने? नहीं, तो ज्वाइनिंग उन्होंने बोला था 27 को होगा, तो मैं 27 का वेट कर रही थी कि डिटेल्स भेजेंगे। आई डिटेल अभी तक कोई? डिटेल्स 31 को आया, बट कोई कंपनी का नाम, जैसे कि वो नॉर्मल इंटरव्यू होता ना कि मैं कहीं गई थी वेट की, उस टाइप का, मतलब कि बस उन्होंने एड्रेस चेंज कर दिया, कोई कंपनी नहीं कि जहाँ जाके क्या हुआ। तो वहाँ नॉर्मल इंटरव्यू जैसे सारे बच्चे वेट कर रहे थे, वैसे ही मैं नॉर्मल गई वेट की और नॉर्मल इंटरव्यू दिया वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं, तो वहाँ पे टेलीकॉलिंग का बोल रहे थे ना, वो तो पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला। पहले बोला था कि जनकपुरी में देंगे, बट जनकपुरी में दिया नहीं। कहाँ दिया फिर? शादीपुर में। अब वो भी दिया क्या उन्होंने? बस एड्रेस भेजा कि यहाँ जाके इंटरव्यू दे दीजिए, उनके तरफ से कुछ नहीं था, बस एक एड्रेस कैसे होता है, गाइडेंस देना कि यहाँ पर चले जाइए। तो वो पैसे लेके, उन्होंने बोला था कि जॉब देंगे, बट जॉब नहीं दिया उन्होंने। तो आपने कंप्लेंट अभी करवाई अंदर? हाँ, मैंने अभी तो बोल ही रही थी मैं, बट अभी सुना नहीं ना उन्होंने। नहीं सुन रहे हैं अभी तो? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, जैसे मैम ने बोला, सर ने बोला। हाँ। उनकी बात, उनको अलग से कमरे में ले जाके उनकी बातें सुन रहे हैं। इन्होंने बोलने की कोशिश करी आप चुप रहो, इन पे बोले आपको हम जेल में बंद कर देंगे इनसे। अब हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हम पे बार बार वो पंच आउट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। वो अभी कंपनी से सबको उठा के लेकर आए हैं? कंपनी से 3-4 लेडीज स्टाफ को लेके आए हैं, लेकिन सबको छोड़ने के मूड में है और उनका कहना है कि कोई कंप्लेन नहीं करेंगे हम, सिविल का मैटर है। अच्छा अच्छा, वो जो पेपर है जो कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है, ऑफर लेटर समझिए उसको, वो एक बार दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है इनका ऑफर लेटर, जो एक कंपनी है उत्तम नगर में ही है और इस कंपनी का नाम आप ऊपर देख सकते हैं। ये कंपनी लोगों से 1800 रुपये ले रही है,
और 1800 रुपए ले रही है और कह रही है पैसे लेने के थोड़े ही देर बाद आपको जॉब दे दिया जाएगा, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। और कुछ कंप्लेंट है, की कंप्लेंट है जो उन्होंने, किसकी कंप्लेंट है? ये इन बच्चों ने दिए जो कोई मेरठ से आया था, कोई मुजफ्फरनगर से आया था, जो हमारी एनजीओ में आके हमसे संपर्क करे थे, जिनके पीछे हमने लग के फिर इस चीज़ की तहकीकात करी है। कंपनी के पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है, कंपनी के पास एमसीडी का लाइसेंस नहीं है। मुजफ्फरनगर से आए हैं लोग, कुछ बच्चे मुजफ्फरनगर के हैं, कुछ बागपत के हैं, कुछ मेरठ के। देखिए ये कुछ कंप्लेंट है इनके पास जिसमें लिखा है हम बेरोजगार बच्चे अलग अलग जगह से आए थे और हमसे नौकरी देने के नाम पर पैसे लिए और पैसे मांग रहे हैं, कृपया आपसे निवेदन है कि हमारे पैसे दिलाए जाए। कुछ इस तरीके का फ्रॉड है जो देश भर में चल रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है। और आज ये लोग बिंदापुर थाने के बाहर ज़रूर खड़े हैं और अंदर भी गए, कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कंप्लेंट थाने की तरफ से रजिस्टर नहीं की गई। हालांकि कंपनी के जो ऑनर है और जो बाकी स्टाफ कंपनी में काम कर रहा था सबको ज़रूर पुलिस अभी लेकर यहाँ आई है, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो आपका 1800 का अमाउंट है या 7500 का अमाउंट है या जो भी इनसे अभी तक पैसे लिए गए वो पैसे इनको वापस कर दिए जाएंगे। कुछ ऐसे वापस करके सेटलमेंट कर लो, लेकिन जो बच्चे हमारे टच में नहीं आए हैं उनके पैसे मर गए। अगर इनका अकाउंट चेक कराया जाए, उन अकाउंट के थ्रू जितने बच्चों से इन्होंने 1000 से 2000 से 3000 बच्चों से पैसे लिए, सबके पैसे वापस होना चाहिए। थाना हमारा साथ नहीं दे रहा है, पुलिस पूरी तरह से मैनेज है। पुलिस का कहना है कि जो बच्चा हमारे पास आ गया उसका 1800 वापस कर दो, केस बंद कर दो। जबकि पुलिस को इस मामले में जानकारी लेना चाहिए, तहकीकात करना चाहिए और अगर कोई मुलजिम है तो उसको दोषी की सजा मिलनी चाहिए। मैंने अभी जब यहाँ पे मेरे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मेरे साथ आईओ ने गलत शब्दों का प्रयोग किया, तब मैंने जाके अभी डीसीपी साहब को इसकी कंप्लेन करी है। अब देखते हैं कि डीसीपी साहब इसमें क्या संज्ञान में लेके क्या कार्रवाई करते हैं। मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है मेरे साथ। मैंने 100 नंबर पे कंप्लेन की है, मेरी कंप्लेन को ये लोग रिसीव करने को तैयार नहीं है कि मेरे से रिसीव नहीं कर रहे हैं। कंप्लेन कह रहे हैं बस 100 नंबर पे आपने कॉल कर दी है, इतना बहुत है, हम रिटर्न में कोई कंप्लेन आपसे नहीं लेंगे। और उन लोगों में से किस किस को लेकर आए हैं? ऑनर को लाए हैं? ऑनर नहीं आए हैं, उनके जो सीनियर स्टाफ हैं, जो काउंसलर हैं, जो उनके कैशियर हैं, उनमें से 4 मैडम को लेके आए हैं, 4 या 5 मैडम को। 4-5 लोगों को लेकर जी। तो देखिए कितना बड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला है जो एक तरीके से चल रहा है और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि नौकरी देने के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है, लोग पैसे दे भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं देश में जो लगातार किसी ऐप के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से या किसी तरीके की सोशल साइट पर इस तरीके की जॉब के मैसेज देखते हैं और उसके बाद उनसे कांटेक्ट करते हैं और वहां पर जाते हैं, तभी उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये लोग थाने के बाहर खड़े हैं, अंदर भी गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि इस इलाके के DCP जो है उनका नाम एम हर्षवर्धन है, हालांकि इन्होंने उनसे बात भी करी है लेकिन अभी तक कुछ जो सुनवाई की बात करी जाए या जो कार्रवाई की बात करी जाए वो नहीं हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हमारी यही अपील है कि आप इस तरीके से किसी भी चीज़ के झांसे में ना पड़े। अगर आप कहीं पर कोई मैसेज देखते हैं नौकरी का या किसी ऐप पर या किसी सोशल साइट पर, तो अगर कोई आपसे नौकरी के बदले पैसे मांगता है तो कृपया करके उनको पैसे ना दें, क्योंकि कोई भी अगर नौकरी के नाम पर आपसे पैसे मांगता है तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि वो फ्रॉड ही हो। अगर आप एक बार पैसे दे देंगे तो आपको वो नौकरी नहीं मिलने वाली। तो ये एक जागरूकता का भी मैसेज आप सभी लोगों के लिए है कि जब भी आप नौकरी लेने जाते हैं तो अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो खासतौर पर इस चीज़ का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।